सबसे पहले खबर यह कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है। जरा ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि किसी म्यूजिकल चेयर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कॉन्फ्रेंस में कामरान अफजल ने कहा कि सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है, किसी ऑफिसर की मुद्दत पूरी नहीं होने दी जाती। नुमाइंदा जियो न्यूज आजम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। आजम बताइएगा, आपके पास डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने आल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, जराए का कहना है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके दरख्वास्त की है कि उनकी खिदमात वापस ली जाए और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 13 सितंबर तक किसी और को चीफ सेक्रेटरी तैनात कर देंगे, तब तक आप काम करें। उनका यह भी कहना था कि ये उनकी अलविदाई मुलाकात है। उनका कहना था कि उन्होंने कोशिश की है कि अफसरान के साथ एक टीम बनकर काम करें, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि पंजाब में मजीद वो काम जारी रख सकें। जराए का ये भी कहना है, कामरान अफजल का कहना था कि उनका वफाकी एस्टेब्लिशमेंट VNC भी रब्ता हुआ है और जल्द उनकी खिदमात पंजाब से वापस वफाक में मुस्तकिल कर दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आजम मलिक।